हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीवरेज का पानी फैलने से व्यापारियों ने लगाया जाम। हरिदेव जोशी सर्कल पर नगर परिषद की लापरवाही की वजह से कई महीनों से सीवरेज का पानी रोड पर बह रहा है, जिस वजह से राहगीरों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। साथ ही पानी फैलने के कारण कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। उसको लेकर व्यापारियों ने जाम लगाया। जाम के दौरान पुलिस प्रशासन, SDM, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन दे रहे हैं कि आज के आज ठीक करवाया जाएगा, लेकिन व्यापारी अभी तक नहीं मान रहे हैं। वे अपनी जिद पर अड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि कभी कभी काम शुरू हुआ लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कई महीनों से गंदा पानी सीवरेज का बाहर निकल रहा है और लोगों के लिए चलना भी दुश्वार हो गया है। शहर की मुख्य समस्या सीवरेज पानी और खड्डे को लेकर हमने बार बार जिला कलेक्टर को अवगत कराया था। एक बार पुनः 21 जुलाई को ज्ञापन दिया था और प्रशासन को आगाह किया था जल्द से जल्द ये काम करवाया जाए, नहीं तो जन आंदोलन किया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने कोई काम चालू नहीं करवाया। आज पब्लिक ने रास्ता जाम किया और उसके बाद जिला प्रशासन आया, उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन में काम चालू करने का। अगर काम चालू नहीं होता है तो आगामी दिनों में जन आंदोलन किया जाएगा। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।